fact in issue. देखो, एक ऐसा फैक्ट जो इशू में बना हुआ है बिफोर द कोर्ट कहलाएगा फैक्ट इन इशू, या ऐसा मैटर जो डिस्प्यूट में है या कंट्रोवर्सी में है वो कहलाएगा फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू को हम मैटर इन डिस्प्यूट या मैटर इन कंट्रोवर्सी के नाम से भी जानते हैं। या हम ये कह सकते हैं एक ऐसा फैक्ट विच इज असर्टेड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अनदर, एक ऐसा फैक्ट जिसे एक पार्टी असर्ट करती हो, यानी उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात करती हो और दूसरा पार्टी उसे डिनाई करता हो, उसके नॉन एग्जिस्टेंस का दावा करता हो। तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो डिस्प्यूट में बना हुआ है, जो कंट्रोवर्सी में बना हुआ है। एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम चैप्टर 2 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस से डील करेंगे। देखो, हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में ये समझा था कि हमारा पूरा एविडेंस एक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 बेसिकली रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है और इसमें 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 जो कि बेसिकली प्रीलिमिनरी है, उसे हमने अच्छे से देखा था। हमने ये जाना कि चैप्टर 1 में हमारा सेक्शन 3 इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 3 बेसिकली लॉ ऑफ एविडेंस का एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है जिसमें एविडेंस एक्ट में बार बार यूज में आने वाले वर्ड्स के मीनिंग को इंटरप्रेट किया गया है। तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को हमने डिटेल में कवर किया। आज हम सेक्शन 5 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस से डील करेंगे, जो बेसिकली चैप्टर 2 के तहत आता है। देखो, हमारे एविडेंस एक्ट का चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है और इसके जो सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक, राइट। अच्छा, सेक्शन 5 कहता क्या है? सेक्शन 5 कहता है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ, एविडेंस may be given of fact in issue and relevant fact yani section 5 clearly हमें ये बताता है कि हम court में केवल उन्हीं evidences को produce कर सकते हैं जो fact in issue से रिलेशन स्टैब्लिश करते हूँ या जो क्या हो रेलेवेंट फैक्ट हो। हम इररेलेवेंट फैक्ट्स को बिफोर द कोर्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ना ही कोर्ट उन्हें एक्सेप्ट करेगा, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एविडेंस के वीडियो में हमने ये समझा कि हमारा एविडेंस एक्ट 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है। पहला, हमें एफर्ट्स लगाना है कि हम केवल और केवल उन्हीं एविडेंसेस को प्रोड्यूस करें जो कन्फाइंड हो फैक्ट
फैक्ट एंड इशू से और रेलेवेंट फैक्ट से, यानी हमें केवल और केवल उन्हीं एविडेंसेस को प्रोड्यूस करना है जो फैक्ट एंड इशू से रिलेशन एस्टैब्लिश करते हों और जो रेलेवेंट फैक्ट हो। दूसरा, हमें एफर्ट्स लगाना है कि हम बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस को ही प्रोड्यूस करेंगे बिफोर द कोर्ट, और हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम प्राइमरी एविडेंसेस को प्रोड्यूस करें, क्योंकि प्राइमरी एविडेंसेस ज़्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं। इन केस हमारे पास प्राइमरी एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है तो हम कोर्ट के परमिशन से सेकेंडरी एविडेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। और तीसरा, हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस। तो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हमारा लॉ ऑफ एविडेंस वर्क करता है। अगर हम इन तीन बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान से देखें तो हमारा जो पहला बेसिक प्रिंसिपल है कि हमें एफर्ट्स लगाना है कि हम केवल और केवल उन्हीं एविडेंसेस को प्रोड्यूस करेंगे बिफोर द कोर्ट जो फैक्ट इन इशू से रिलेशन एस्टैब्लिश करता हो और रेलेवेंट फैक्ट हो, यानी हमारा जो सेक्शन 5 है वो लॉ ऑफ एविडेंस के फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। राइट, और सेक्शन 5 कहता है कि हम केवल और केवल उन्हीं एविडेंसेस को प्रोड्यूस करेंगे बिफोर द कोर्ट जो फैक्ट एंड इशू से रिलेशन एस्टैब्लिश करता हो और रेलेवेंट फैक्ट हो। यानी हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ एविडेंस के इस बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सेक्शन 5 बेसिकली हमारे एविडेंस एक्ट में फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करता है। अच्छा, इस पर्टिकुलर सेक्शन का पर्पस क्या है? इस पर्टिकुलर सेक्शन का पर्पस ये है कि हमें स्कोप ऑफ एविडेंस को लिमिट करना है। हमें केवल और केवल उन्हीं एविडेंसेस को प्रोड्यूस करना है जो या तो फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड हो या रेलेवेंट फैक्ट हो। तो देखो, आपका जो स्कोप ऑफ एविडेंस है वो लिमिटेड हो गया। आप कोई भी एविडेंस नहीं लाओगे, आप केवल उन्हीं एविडेंसेस को लाओगे जिनके बारे में सेक्शन 5 बात करता है, विच इज फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, देखो, इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझने से पहले हमें फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को एक बार फिर से रिकॉल करना होगा। अब क्योंकि इस वीडियो को बहुत से ऐसे लोग भी देखेंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके सहूलियत के लिए हम एक बार फिर से फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को समझेंगे। ठीक है, हालांकि फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट, इनके बारे में डिटेल में एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। सेक्शन 3 में मेंशनड जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है और एक सेपरेट वीडियो है, तो आप चाहो तो देख सकते हो। फिलहाल अगर हम फैक्ट इन इशू के बारे में बात करें तो क्या है फैक्ट इन इशू? देखो, फैक्ट इन इशू, देखो, एक ऐसा फैक्ट जो इशू में बना हुआ है बिफोर द कोर्ट कहलाएगा फैक्ट इन इशू, या
ऐसा मैटर जो डिस्प्यूट में है या कंट्रोवर्सी में है वो कहलाएगा फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू को हम मैटर इन डिस्प्यूट या मैटर इन कंट्रोवर्सी के नाम से भी जानते हैं। या हम ये कह सकते हैं एक ऐसा फैक्ट विच इज असर्टेड बाई वन पार्टी एंड डिनाइड बाई अनदर। एक ऐसा फैक्ट जिसे एक पार्टी असर्ट करती हो, यानी उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात करती हो और दूसरा पार्टी उसे डिनाई करता हो, उसके नॉन एग्जिस्टेंस का दावा करता हो, तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो डिस्प्यूट में बना हुआ है, जो कंट्रोवर्सी में बना हुआ है बिटवीन द पार्टीज एंड बिफोर द कोर्ट, कहलाएगा फैक्ट इन इशू या मैटर इन डिस्प्यूट या मैटर इन कंट्रोवर्सी। अच्छा, ये फैक्ट जो इशू में बना हुआ है या जो डिस्प्यूट में है, कंट्रोवर्सी में है, अगर ये फैक्ट क्लारीफाई हो जाता है तो कोर्ट आसानी से अपने जजमेंट को डिलीवर कर सकता है। कोर्ट कैन इजिली डिलीवर जजमेंट, राइट। अब देखो, एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। मान लो ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी। ए के ऊपर ये आरोप है कि उसने बी का मर्डर किया है, वो बी के हत्या का दोषी है। नाउ जब ट्रायल शुरू होगा तो इन सभी फैक्ट्स को हम फैक्ट इन इशू कंसीडर कर सकते हैं। जैसे पहला, क्या जी कहाँ बंद रहेगा, पहला फैक्ट ए कॉज्ड बीज डेथ। ए ने बी की हत्या की, यानी ये क्या है, फैक्ट इन इशू है। दूसरा, एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ। ए का बी के हत्या के पीछे इंटेंशन था, यानी गिल्टी माइंड था, मेंस रिया, ये भी क्या है, दूसरा फैक्ट इन इशू हो सकता है। तीसरा, दैट ए हैड रिसीव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। बी ने ए को प्रोवोक किया या बी ने ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट किया जिससे ए प्रोवोक हो गया और उसने बी की हत्या कर दी, तो ये भी फैक्ट इन इशू हो सकता है। फोर्थ, बाय विच मींस ए कॉज्ड बीज डेथ। ए ने बी की हत्या किस हथियार से की, क्या वेपन था जिसे ए ने यूज किया, वेदर इट वॉज नाइफ, वेदर इट वॉज अ गन और स्टिक। So, what was the weapon by means of which A caused B's death? अब पांचवा फैक्ट इन इशू ये हो सकता है कि A at the time of doing the act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind
incapable of knowing its nature. A, जिस समय B की हत्या कर रहा था वो unsoundness of mind के state में था, जिससे वो ये justify नहीं कर पाया कि जो भी act वो कर रहा है वो wrong है, right? तो ये कुछ facts हैं जो इस particular situation में फैक्ट इन इशू के रूप में सामने आते हैं। अच्छा, ये फैक्ट्स अगर क्लियर हो जाते हैं, इन फैक्ट्स का क्लारिफिकेशन अगर कोर्ट को मिल जाता है, तो ये चीज साबित हो जाएगी कि क्या ए ने ही बी की हत्या की है या नहीं। तो ये क्या है, फैक्ट इन इशू है, ऐसे फैक्ट्स जो इशू में बने हुए हैं, जिनका क्लारिफिकेशन लीड्स टू द जजमेंट ऑफ कोर्ट, राइट? तो आई होप फैक्ट इन इशू क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी सेक्शन 5 ये कहता है कि हमें केवल और केवल उन्हीं एविडेंसेस को देना है बिफोर द कोर्ट जो फैक्ट इन इशू को क्लारिफाई कर रहे हो, राइट? अब दूसरा, रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? देखो, रेलेवेंट फैक्ट को भी इंटरप्रेट किया गया है हमारे एविडेंस एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, विच इज सेक्शन 3, राइट? रेलेवेंट फैक्ट का मतलब होता है, देखो, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर, एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के रिलेशन में हम रेलेवेंट फैक्ट तब कहेंगे जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रिलेशन स्टेब्लिश करता हो। उन वेज में, जिन वेज को मेंशन किया गया है हमारे एविडेंस एक्ट के चैप्टर 2 सेक्शन 5 से लेकर के 55 के बीच। तो यानी चैप्टर 2 जो बेसिकली रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, यहाँ हम यही समझते हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट होंगे, क्योंकि अगर आप जानोगे कि ये फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है तभी तो आप उन फैक्ट्स को बिफोर द कोर्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। तो एक फैक्ट को हम रेलेवेंट फैक्ट कहेंगे जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से इस तरह से कनेक्टेड होगा उन वेज में जिन वेज को मेंशन किया गया है हमारे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 55 के बीच, तो क्या कहलाएगा, रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। तो सेक्शन 5 क्लियरली ये बोलता है कि एविडेंस मे बी गिवन इन एनी शूट एंड प्रोसीडिंग्स टू एवरी फैक्ट इन इशू। हम किसी सूट, किसी प्रोसीडिंग्स में केवल उन्हीं एविडेंसेस को दे सकते हैं जो फैक्ट इन इशू से रिलेशन इस्टेब्लिश करते हो, या केवल उन्हीं फैक्ट्स का एविडेंस दे सकते हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन 5 से लेकर के 55 के बीच रेलेवेंट फैक्ट। तो आई होप सेक्शन 5 आपको समझ में आ गया होगा, राइट? अब देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन यह कहता है कि इस सेक्शन का प्रोविजन, यानी सेक्शन 5 का प्रोविजन किसी पर्सन को ऐसे फैक्ट्स का एविडेंस देने के लिए, सेक्शन 5 का प्रोविजन किसी पर्सन को ऐसे फैक्ट्स का एविडेंस
देने के लिए इनेबल या एंटाइटल नहीं करेगा, जिसे सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड कोई उस समय में लागू लॉ के किसी प्रोविजन द्वारा उस फैक्ट को साबित करने से रोक रहा हो, राइट? तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो प्रोविजन है वो किसी पर्सन को उन फैक्ट्स का एविडेंस देने के लिए इनेबल नहीं करेगा या अलाउ नहीं करेगा, जिसे सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड उस समय में लागू किसी लॉ के किसी प्रोविजन द्वारा उस फैक्ट को साबित करने से रोक रहा हूं, राइट? अच्छा, ये था। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन का जब आप इलस्ट्रेशन 2 देखोगे, तो ये क्लियरली ये कहता है कि एक सूटर, यानी जिसने सूट फाइल किया है, अपने साथ वो डॉक्यूमेंट जिस पे वो डिपेंड करता है अपनी पहली हियरिंग में नहीं ले जाता है। अच्छा, ये पर्टिकुलर सेक्शन उसे डिसएंटाइटल्ड करता है, उसे डिसेबल्ड करता है कि वो अब फर्दर प्रोसीडिंग्स में उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं ला सकता, राइट? तो ये था आपका सेक्शन 5 ऑफ एविडेंस एक्ट, जिसे हमने समझने की कोशिश करी। बेयर एक्ट में जब आप इस सेक्शन को एक बार रीड करोगे तो सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी और इलस्ट्रेशंस भी, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने सेक्शन 5 को डिटेल में समझा। अपने पूरे एफर्ट्स के साथ मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझाने की कोशिश करी। तो अगर ये वीडियोस आपको किसी मैनर में हेल्प करते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।